आज भी हमसे देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, आज भी हमसे ये कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, आप आतंकवादी हैं, इस तरीके के शब्दों से हमें नवाजा जाता है, इस तरीके के शब्दों से हमें संबोधित किया जाता है, और हम इन शब्दों के साथ जीते हैं, हर रोज जीते हैं, हर रोज इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हम हर रोज 5 दफा सजदा करते हैं, और इसी गद्दार शब्द के साथ, इसी आतंकवादी और जिहादी शब्द के साथ हम लोग हर रोज जीते हैं। इस तरीके की मानसिकता के लोग जो हम लोगों का आर्थिक बहिष्कार करते हैं, इस तरीके की मानसिकता के लोग जो हमें रहने खाने पीने की आजादी हमसे छीनना चाहते हैं। देखिए, कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज प्रधानमंत्री जी हमें परिवारजन कहते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि पुलिस सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, मतलब कुछ भी जो मर्जी चाहे मुसलमानों के साथ करो, मुसलमानों के लिए तो आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आपके हाथ में पुलिस नहीं है, आप कोई कार्यवाही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी हिंदू समुदाय की बात अगर होगी तो फौरी तौर पर गिरफ्तारियां होगी, एक ट्वीट करने पर गिरफ्तारी होती है, एक पोस्ट करने पर गिरफ्तारियां होती हैं। देखिए, आज जो लोग जो इस नफरत की राजनीति कर रहे हैं और इसी नफरत की राजनीति करते हुए इस हिंदुस्तान की फिजाओं में नफरत घोल रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहती हूँ, कल को तुम्हारे बच्चों को भी इसी हिंदुस्तान की फिजाओं में सांस लेनी है तो उतना जहर उगलिए जितना आप सह पाए। पुलिस, सत्ता, मीडिया, हो सकता है आज आपके पास हो लेकिन कल नहीं होगी। एडवोकेट आरफा खानम जी क्या कहेंगे बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई है हरियाणा में, कैसे देखती है पूरे मामले को? बजरंगी की जो गिरफ्तारी हुई है वो नू हिंसा को भड़काने के केस में नहीं हुई है। बहुत सारे लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि चलो कम से कम देर से ही सही हुजूर आए तो सही, तो लेकिन यहाँ पर बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी किसी और मामले में हुई है, नू हिंसा भड़काने के मामले में नहीं हुई है। जो उसने जिस तरीके से वीडियो डाल करके प्रवोक किया और हिंसा भड़काई नू के अंदर, तो ये बिल्कुल भी जो गिरफ्तारी है उस केस में नहीं हुई है। लेकिन यात्रा का ऐलान फिर से किया गया, 28 तारीख को फिर से यात्रा निकलेगी। ये यात्रा निकलती रहेंगी, इस तरीके की राजनीतिक यात्रा, धार्मिक चोला पहन करके इस यात्रा को बार बार निकाला जाएगा ताकि इस धार्मिक चोले के अंदर आप धर्म का तड़का रहे, धर्म की अफीम रहे, और लोगों को ये कहा जाए कि देखो हिंदू खतरे में है। और बार बार इस तरीके के जो गुंडे हैं, विश्व हिंदू परिषद के हों, बजरंग दल के हों, गौ रक्षा दल हों, आरएसएस हो, ये जितने भी दल हैं, ये सारे दल क्यों ये पाले जा रहे हैं? ये सिर्फ इसी एक ही मकसद के तहत, ताकि 2024 इनके सर पर, इनके कंधे पर बंदूक रख करके चलाया जाए और फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान को ये दिखा करके, ये डर दिखा करके कि देखो हिंदू खतरे में, जागो हिंदू, जागो जागो जैसे नारे दे करके। और जब बिट्टू बजरंगी जैसे छुटभैया नेता की गिरफ्तारी होती है तो फिर ये तमाम सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि देखिए बायकॉट करो, आर्थिक बहिष्कार करो मुसलमानों का, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, ये इन लोगों का बहिष्कार करना जरूरी है, क्योंकि देखो हमारे एक हिंदू भाई की गिरफ्तारी हो गई। तो इसीलिए देखिए ये चीजें जो है ये सिर्फ दिखावा है, असल मायने में जो भाजपा का जो एजेंडा है इसके पीछे, ये पूरी तरीके से जो एजेंडा जो परोसा जा रहा है, खास करके इसके अंदर देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बड़ा रोल अदा कर रही है। और बहुत ही अफसोस के साथ इस बात को कह रही हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री देश की प्राचीर से, लाल किले से जब इस बात को कहते हैं कि परिवारजनों कह करके संबोधित करते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं सोता हूँ तो हिंदुस्तान के लिए सोता हूँ, मैं तो काम करता हूँ तो हिंदुस्तान के लिए करता हूँ, मुझे सपना भी आता है तो हिंदुस्तान के लिए आता है। तो देखिए, मैं उसी प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, जो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री जब परिवारजनों को संबोधित करते हुए परिवारजन कहते हैं, तो उसी प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आप भाजपा के सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, आप मेरे, आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आप राजनीतिक भाषण देते हुए ये बात कैसे भूल गए कि आप परिवारजन, आप जिनको कहते हैं, उन्हीं परिवारजनों की धर्म के नाम पर जिस तरीके से हत्याएं होती हैं, धर्म के नाम पर उनकी जैसे लिंचिंग होती है, उन्हीं परिवारजनों को जिस तरीके से टोपी दाढ़ी के नाम पर उनकी जो हत्याएं की जाती हैं, एक तरफ आपके कुछ पाले हुए समर्थक दल गुंडे जिनको संरक्षण मिल रहा है वो जय श्री राम के नाम पर नारे लगाए जाते हैं, और फिर एक भीड़, एक उन्मादी भीड़ जिस तरीके से उनका शिकार करती है, जय श्री राम, राम के नाम पर आप जिस तरीके से लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, शर्म आती है। अभी कहते हुए देखिए, राम नाम का जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया है, आपने हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया है। मैं एक मुसलमान होकर के इस बात को कह रही हूँ कि आपने राम को बांट दिया है, एक वो राम थे जो महात्मा गांधी और इकबाल के राम थे, और एक वो राम जिसको आप इस्तेमाल करते हुए, आप जिस तरीके से भीड़ आपकी जो राम के नाम पर जिस तरीके से हत्याएं कर रही हैं,
जय श्री राम के नाम पर। ये वो आज देश के अंदर दो राम है, जिस तरीके से एक देश दो कानून है देश के अंदर, उसी तरीके से एक देश दो राम है। एक इकबाल ने कहा था कि मुझे नाज है इस हिंदुस्तान पर, मुझे नाज है राम पर, लेकिन आज आपने उसी राम के नाम को बदनाम कर दिया है। आज एक हिंदू भी शर्मिंदा होता है कि जिस तरीके से चंद लोगों ने मिलकर के सिर्फ जय श्री राम के नारे को जिस तरीके से अनिवार्य सा कर दिया है। जय श्री राम के नारे को जब ये कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो, नहीं तो इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो ये ऐसा अनिवार्य सा हो गया है कि अगर आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो फिर आपकी लिंचिंग हो जाएगी, आपकी हत्या हो जाएगी। तो देखिए आज जैसे चुन चुन करके, जैसे चेतन सिंह ने जयपुर और मुंबई एक्सप्रेसवे में प्रधानमंत्री जी के कहने के अनुसार जिस तरीके से उसने हत्याएं की है, चुन चुन करके दाढ़ी वाले टोपी वाले सफर कर रहे मुसाफिरों की जिस तरीके से उसने हत्या की है, तो इस बात से ये साफ हो जाता है कि राम जो है इस देश के अंदर दो राम है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से दंगे होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा मीडिया को डांट लगा रही है कि आप की वजह से इस तरह की हरकत हो रहे हैं, तो क्या मीडिया जिम्मेदार है इन तमाम चीजों के लिए? जाहिर सी बात है, जो जिस तरीके से सबसे बड़ा रोल आज देश की मीडिया का जो होना चाहिए था, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए थे। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम क्या सत्ता की चाटुकारिता करना है? क्या उसको ये बताना है कि वो विजन, जो प्रधानमंत्री का विजन, आपको सवाल करने चाहिए थे, लेकिन आपको आप कभी सवाल नहीं करेंगे, बल्कि आप सत्ता के पक्ष में आकर के आप खड़े होकर के आप प्रधानमंत्री के विजन को 2047 के विजन को आप जनता को दिखाएंगे, तो आप कहां पत्रकारिता आज बची है? तो आज देखिए जिस तरीके से नू हिंसा के अंदर और बिल्किस बानो के आरोपियों के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, बोलना पड़ा कि क्या जो नू हिंसा के जो जजेस थे, जो बुलडोजर की कार्यवाही को जिन्होंने रोका था, उनके तबादले कर दिए गए। जिस तरीके से बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछती है, हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों बिल्किस बानो के आरोपियों को ही छोड़ा जाता है? क्योंकि सालों से बंद हुए हजारों लाखों ऐसे अपराधी हैं जिनको माफी मिल सकती है, वो घर जा सकते हैं, लेकिन उनको ना छोड़ करके बिल्किस बानो के अपराधियों को ही क्यों छोड़ा गया? तो जाहिर है मकसद साफ है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को क्यों छोड़ा जाता है। नू हिंसा के जो बिट्टू बजरंगी जैसे छुटभैया नेता, अगर आप इनका इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि माशे ने क्या क्या नहीं किया नेता बनने के लिए, लेकिन नेता नहीं बन पाए, लेकिन अब जेल चले गए हैं। अब भाजपा इनका फूलों और मालाओं से स्वागत करके टिकट जरूर दे देगी आने वाले वक्त में, लेकिन नू हिंसा में नहीं गए हैं। फिर से बोलूंगी, नू हिंसा में नहीं गए, किसी और मामले में गए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा परोसने का काम तो करती रही है। सवाल है कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, दूसरे महिला भी हैं, तो क्या जैसे बिट्टू बजरंगी हो जो नारा देते हैं कि दामाद आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं, ठीक है, ब्रजभूषण सिंह हो गए पहलवानों के, जो मतलब एक तरह से कहो के अपराधी हैं पहलवानों की नजर से, वहीं मनीषा वाल्मीकि वाला हाथरस वाला केस हो गया, तो क्या इन सब में छूट और जो सुस्ती बरती गई उसी की वजह ये है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया उन्हीं सबको देखते हुए? देखिए इस देश के अंदर देखिए जो जिस तरीके से पुलिस सत्ता की किस तरीके से सत्ता के लिए काम कर रही है, किस तरीके से हमने देखा है कि नू हिंसा के अंदर AK-47 जैसे हथियार बजरंग दल के गुंडों के पास थे। मैं गुंडे इसलिए कहूंगी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया है नू के अंदर, 6 लोगों की मौत हो जाती है लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं होती है। अब कहते हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं, बुलडोजर चल किस पे रहा है? मुसलमानों के घर पर। क्या मुसलमानों ने वीडियो डाल करके क्या प्रोवोक किया, क्या हिंसा भड़काने की कोशिश की? कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी कोई चीज है जो आप ये कहेंगे कि मुसलमानों का इसके अंदर हाथ है? आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर आप मुसलमानों को का आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, आप 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं जगह जगह पर। आप ये देखिए कि पुरोला के अंदर, उत्तराखंड के पुरोला के अंदर आप मुसलमानों को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, गुरुग्राम के अंदर दुकानें और मकान खाली करने के लिए आप 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, आज भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर आप 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं दुकान और मकान खाली कर दे मुसलमान। आखिर मुसलमान जाएगा कहां? आप क्या सोचते हैं कि आर्थिक बहिष्कार करो मुसलमानों का बायकॉट करो और उससे भी बात नहीं बनती तो इस तरीके की शोभा यात्रा निकालो और फिर उसके बाद एक हिंसा फैलाओ और फिर उसके अंदर हत्याएं करो, मस्जिद को टारगेट करो, मस्जिद के सामने जाकर के तांडव करो और फिर जय श्री राम के नारे लगाओ। तो देखिए आज हालात ये हैं कि नू हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, देखिए ये सारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सम्मान की बातें हैं जो देश की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल भी कही थी और फिर क्या हुआ, बिल्किस बानो का उदाहरण हमारे सामने है और फिर उसके बाद आज भी जो मामा मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं साइकिल बांटने की बात महिलाओं के लिए करते हैं, उन्हीं मामा की पुलिस जो है महिलाओं को किस तरीके से उनके बाल को नोचती है, उनको खसोटती है, इस तमाम सोशल मीडिया पर वो वीडियोस मौजूद हैं। महिला सम्मान की बात तो ये है कि हर रोज NCRCB का ये आंकड़ा है कि हर रोज 77
महिलाएं बलात्कार हो रही हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर मोदी सरकार की क्या सोच है, क्या प्लानिंग है, जबकि उनके खुद के नेता जिस तरीके से बृजभूषण सरन सिंह जैसे नेता जो कि ये कहते हैं बेटियों के लिए जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। देश का गौरव, देश का मेडल, जंतर मंतर पर न्याय मांगता रहा लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। वहीं पर स्मृति ईरानी जो संसद के अंदर जब राहुल गांधी जी स्पीकर से बात करते हैं, स्पीकर की तरफ इशारा करते हैं, तो वो उछल उछल कर कूद कूद कर कहती हैं कि मुझे तो फ्लाइंग किस दिया। तो इस देश की हालत यह है कि जहां पर बेटियों के साथ बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता है, बेटियों का बलात्कार किया जाता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ एक हथियार है कि मुसलमानों को उनको ये कहा जाए। हर साल की तरह ये सातवें दशक के बाद भी हम लोग आज भी अपनी देशभक्ति को प्रूफ करते रहे हैं। आज भी हमसे देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, आज भी हमसे ये कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, आप आतंकवादी हैं, इस तरीके के शब्दों से हमें नवाजा जाता है, इस तरीके के शब्दों से हमें संबोधित किया जाता है, और हम इन शब्दों के साथ जीते हैं, हर रोज जीते हैं, हर रोज इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हम हर रोज 5 दफा सजदा करते हैं, और इसी गद्दार शब्द के साथ, इसी आतंकवादी और जिहादी शब्द के साथ हम लोग हर रोज जीते हैं। इस तरीके की मानसिकता के लोग जो हम लोगों का आर्थिक बहिष्कार करते हैं, इस तरीके की मानसिकता के लोग जो हमें रहने खाने पीने की आजादी हमसे छीनना चाहते हैं। देखिए, कहना चाहती हूं कि देखिए, आज प्रधानमंत्री जी हमें परिवारजन कहते हैं लेकिन हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते। बेटियां निर्वस्त्र होकर के घुमाई जा रही हैं, इनके मंत्री कहते हैं हमारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहते हैं मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि पुलिस सबको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। मतलब कुछ भी जो मर्जी चाहे मुसलमानों के साथ करो, मुसलमानों के लिए तो आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आपके हाथ में पुलिस नहीं है, आप कोई कार्यवाही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी हिंदू समुदाय की बात अगर होगी तो फौरी तौर पर गिरफ्तारियां होगी, एक ट्वीट करने पर गिरफ्तारी होती है, एक पोस्ट करने पर गिरफ्तारियां होती हैं। तो देखिए, आज जो लोग जो इस नफरत की राजनीति कर रहे हैं और इसी नफरत की राजनीति करते हुए इस हिंदुस्तान की फिजाओं में नफरत घोल रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहती हूँ कल को तुम्हारे बच्चों को भी इसी हिंदुस्तान की फिजाओं में सांस लेनी है तो उतना जहर उगलिए जितना आप सह पाए। पुलिस, सत्ता, मीडिया हो सकता है आज आपके पास हो लेकिन तल नहीं होगी। इस बात को आप आज लिख के रख लीजिए, 2024 में विदाई आपकी तय होनी है। हिंदुस्तान की आवाम ने ठान लिया है कि ऐसी सरकारों को, ऐसी तानाशाह सरकारों को यहां से उखाड़ फेंकना है।